बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में, और सबसे पहले जानना चाहेंगे फ्रेडरिक, क्योंकि आपकी जो जो भी आप फिल्में करते हैं बहुत सिलेक्टेड रहती हैं, और आपके जो रोल्स हैं वो भी बड़े उम्दा और यूनिक रहते हैं। अगर आपको हटा के किसी और को इमेजिन किया है तो बड़ा मुश्किल है कि कौन ये कर पाता, तो कैसा रहा फ्रेडरिक का एक्सप्रेशन, आई मीन एक्सपीरियंस एंड क्या कहना चाहेंगे फ्रेडरिक के बारे में? सबसे पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप भी ये समझते हैं कि जो रोल्स मैं करता हूँ वो थोड़ा मुश्किल होता है किसी और को सोच के करने का। सेकंडली क्या है कि राजेश भुटाले जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं उनको मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि यू नो एक इतने मुश्किल रोल को उन्होंने मेरे हाथ में सौंपा, बिकॉज जो जो आदमी पहली बार फिल्म बनाता है और जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म का बैकग्राउंड है इनका वो किसी को भी लेके इस फिल्म को कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। सबसे पहली बात तो उनके लिए उनको थैंक्स, यू नो, और चूँकि ये बहुत ही एक बहुत ही इमोशनली मोटिवेटेड रोल है, ये दो इनके जो रोल है इसके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ही इज़ नॉट एग्जैक्टली वेरी डिसहार्टेंड अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही डज, इट्स जस्ट दैट फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक बहुत बड़ा योगदान है, और आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड एक फाइनल कट देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये फिल्म में काम करके। और फाइनली क्या होता है कि आप काम करते हैं और आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो आपको आप लोग लगता है कि यार ये करना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, यू नो, बट ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह गई है, एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ओके प्रशांत सर, आपने टेलीविजन टीवी से शुरू किया, फिर आप छोड़ी फिल्म में, फिर आपने केतन सर को आपने असिस्ट किया एक साल तक, और आई डोंट थिंक कि मतलब जिस तरीके का आप मजबूत कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, आपकी एक्टिंग का एक लोहा माना जाता है, लोग आपसे सीखते हैं, तो उस तरह का आपको पे बैक मिला है, उस तरह की फिल्में आपको मिल पाई हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी अभी हर किसी का ड्रीम्स अलग होता है, यू नो, अभी अगर मैं ये सोच के रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीऊँ कि यार शिट ये फिल्म में मुझे होना चाहिए था, या मेरे पास ये होना चाहिए था, मेरे पास वो होना चाहिए था, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी दुखी हो जाएगी, यू नो, तो इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज मेरे पास है, बहुत ही अच्छा दिन है आज, यू नो, थोड़ी धूप है लेकिन कोई बात नहीं, यू नो, तो शाम अच्छी होने वाली है, तो उस तरह से मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हूँ, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा पे बैक अच्छा है कि नहीं है, बस मैं इस बात से खुश हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा काम पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ काम करना भी चाहते हैं, और स्पेशली नए लोग अपनी अपनी जो उनका जो एक्चुअल ड्रीम होता है कि नहीं यार हमारी पहली फिल्म है, हम 3 साल से लिख रहे हैं, 4 साल से लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं मेरे से आके बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि आपके साथ काम करें, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और नहीं हो सकता है, और मुझे लगता है कि मेरा पे बैक यही है कि बहुत सारे लोग रियली मेरे साथ काम करना चाहते हैं। टीवी से लेके फ्रेडरिक तक कितने बदलाव आप में आए हैं, एक्टिंग में कितनी चेंजेस आई हैं, और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या नया सीखते हैं? हम जानते हैं कि आप म्यूज़िक को बेहद प्यार करते हैं, आप गिटार आप बहुत अच्छा प्ले कर लेते हैं, और ये एक म्यूज़िकल थ्रिलर है, तो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या सीखने की प्रक्रिया रहती है आपकी? सी चूँकि मैं लिखता भी हूँ और मैं थोड़ा पेंटिंग वगैरह का शौक भी रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग इसलिए थोड़ा सा उनका दिमाग ख़राब होता है क्योंकि जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो फिर वो कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, यू नो, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा बिजी रहता हूँ, शूटिंग जब मैं करता हूँ एक्चुअली जब शूट होता है तो वो दिन मेरे लिए बहुत खाली रहता है, क्योंकि मैं सिर्फ वो एक चीज़ कर रहा होता हूँ, यू नो, मेरे मोबाइल्स भी साइलेंट रहते हैं, मेरे वैनिटी वैन में रहते हैं, मैं मोबाइल्स भी सेट पर नहीं ले जाता हूँ, यू नो, तो इसलिए एक दो सीन करने के लिए होता है फिल्म में, तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम तभी रहता है जब मैं एक्चुअली शूटिंग करता हूँ, तो
उन हालातों में मुझे लगता है कि मैं शूटिंग में ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ और मैं अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ, लेकिन जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं लिखता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ, यू नो इतना नहीं मत, लेकिन मैं कंपोज़र हूँ, तो इसलिए जो मैं गाने बनाता हूँ वो मेरे बहुत सारे गिटारिस्ट दोस्त हैं जो मेरे साथ मेरी मदद करते हैं उसमें, और पेंटिंग का शौक़ है मुझे, यू नो, और मेरी अभी हाल ही में शादी हुई है, मेरी 2 साल की छोटी सी बच्ची है, यू नो, तो उसके साथ मैं बहुत टाइम बिताता हूँ, तो इस तरह से मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही एक्साइटिंग है, और आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई रीड स्क्रिप्ट्स अ लॉट, और ऐसा नहीं है कि मैं कि आपके पास और कौन कौन से एक्टर हैं, आपने किसको म्यूजिक डायरेक्टर लिया है, आपने कौन एक्ट पर क्या, एक स्क्रिप्ट अगर जब मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको सिर्फ स्क्रिप्ट के बल पे उसको मैं हाँ बोलता हूँ, बाकी जो लोग आए चाहे नहीं आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है, मुझे लगता है कि अच्छा ये स्क्रिप्ट दिया उन्होंने मुझे, ये रोल के लिए मुझे दिया है, तो मैं उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ हाँ या ना बोलता हूँ, you know? बहुत ही सुलझी हुए कलाकार हैं आप, और सीन में जान डालने वाली चीज़ें आप हमेशा ही करते हैं, कोई भी आपकी फिल्म या कोई भी सीन ले लिया जाए तो जो आपके सामने कुछ न्यू कमर्स खड़े थे, और हमेशा एक अच्छे कलाकार को अपने सामने को स्टार्स भी मंझे हुए चाहिए होते हैं, तब उसका वो सीन निकल के उभर के आता है, तो फ्रेडरिक की बात करें तो क्या एक्सपीरियंस रहा है को स्टार्स के सामने साथ काम करने का, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आपको अभी भी याद आते हैं फिल्म के दौरान कुछ ऑन लोकेशन हुए? सी, मुझे हमेशा लगता है कि मैं जब शूट पे जाता हूँ तो सीरियसली मुझे मैंने जो काम किया है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं, यू नो, तो मैं जब जाता हूँ सेट पे तो मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरा पहला दिन है, ये मेरे सामने मेरे कुछ नए लोग हैं जिनका चेहरा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बाय द टाइम शूट ख़त्म हो जाएगा ये लोग सब मेरे दोस्त होने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई न्यू कमर है या कोई ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं भी न्यू कमर हूँ, यू नो, तो मेरा अप्रोच भी ऐसे ही रहता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ अरे यार बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके एंड ऑल दैट, बट मेरा सिनेरियो बहुत ही कंफर्टेबल सिनेरियो, मैं ऐसे कुछ जताता नहीं हूँ किसी को भी कि मैंने कुछ अभी 40 फिल्में कर ली हैं, यू नो, या आपने अभी तो आपका पहला फिल्म है ये, तो ऐसा मैं एज अ मेरा नेचर भी नहीं है, और एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो आई डोंट बिलीव इन ट्राइंग टू पुट समबडी डाउन, मैंने हमेशा सबको यू नो मोटिवेट ही किया है, यू नो, एंड किसी को नीचे दबा के मैं आज तक ऊपर नहीं गया हूँ, अगर ऐसा करना होता तो मैं काफ़ी ऊपर होता, तो फ्रेडरिक में भी मेरे साथ अविनाश हैं और तुलना है और बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, लेकिन अविनाश और तुलना के बारे में चूंकि उन लोगों के ये पहले पहला फिल्म है, सो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो पहली बार काम कर रहे हैं, चूँकि अविनाश ऑल्सो चूँकि मेरा बहुत सारा काम अविनाश के साथ में है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा जैसे कि मैं किसी न्यू कमर के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत ही समझदार और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर की तरह उन्होंने पूरे फिल्म में काम किया, और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको उनका काम भी बहुत अच्छा लगेगा, और तुलना जो है तुलना ऑल्सो हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, शी इज़ प्लेइंग एन आईबी एजेंट जो हु लीव्स ऑल दीज थिंग्स जस्ट सो दैट यू नो दैट शी कैन मेंटेन हर फैमिली, तो उनके लिए फैमिली मोर इम्पॉर्टेंट है, और बट देन द ट्रेनिंग ऑफ एन आईबी एजेंट हेल्प्स हर इन इन द फिल्म, एंड उनका भी मोटिवेशन अलग है, और आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके। प्रशांत सर,
कोई भी फिल्म किसी भी एक्टर को मिलती है तो वो एक होमवर्क शुरू कर देते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है आपके कैरेक्टर के लिए. तो ये बस वजन घटाना, वजन बढ़ाना और बाल कटा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, आप कभी नहीं करते हैं ऐसा क्यों? सी ये जो वजन घटाना, वजन बढ़ाना घटाना, एट पैक बनाना, दाढ़ी लगा देना, यू नो, और ये सब बहुत बचकानी चीज़ें हैं, यू नो. जैसे अमरचित्र कथा में जो है लोग फोटोग्राफ्स बनाते हैं, यू नो, वैसे